तो यार फाइनली मैं आ गया हूँ इधर में, और अभी भी और दूर जाना है। और ये जो मैं करने वाला हूँ ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। अभी मुझे एक विलेज में जाना है, उधर पर रहने वाला हूँ कुछ टाइम। पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम कर रहा हूँ। तो यार अभी 4 मार्च कुछ है, आज रात के 2 बज रहे हैं और मैं बहुत उदास हूँ, मतलब बहुत सैड हूँ। पता नहीं क्यों, किस वजह। मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, मेरा सोशल मीडिया लाइफ अच्छी जा रही है, बट मैं 10 दिनों से घर पे हूँ। और घर पे रहना बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है, बहुत कंफर्ट होता है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कुछ मिसिंग है। मतलब इंस्टाग्राम पे रील देखो ऐसा लगता है कि, और बाहर जाने से डर भी लग रहा है, मतलब क्या बताऊँ। मुझसे लोग एडवाइस मांगते हैं ट्रैवल की, मैं अभी ट्रैवल करके ही आया हूँ 20-25 दिन, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों फील होता है कभी कभी कि यार जो जो कर सकते हैं वो कर ही नहीं रहे हैं। कितना कुछ है दुनिया में करने को। रील पे देखो, या तो ये सोशल मीडिया ने दिमाग ख़राब करके रखा है कि यार लोग क्या क्या कर रहे हैं, हर 15 सेकंड में नई नई चीज़ें आ रही हैं, अलग अलग इमोशंस दिख रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं माइंड में, और हमें फिर डाउन फील होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ इधर घर में बैठे बैठे। तो यार मैंने भी मतलब डिसाइड कर लिया, मैं जा रहा हूँ मतलब हिमाचल। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, मैं ये होता है कभी कभी मेरे साथ कि बाहर जाने का टाइम आता है तो थोड़ा सा लगता है कि यार घर में कितना कंफर्ट है यार, कोई मतलब कुछ करेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, वक्त पे खाना मिल जाएगा, कुछ प्रोटेक्शन है। लेकिन पता नहीं दूसरा माइंडसेट ये आता कि नहीं यार, वही है ना कि यार जो एक एरोप्लेन होता है, जो एक नाव होती है, वो सबसे ज़्यादा सेफ तो अपने एयरपोर्ट पे या डॉक पे होती है, लेकिन समंदर में आसमान में खतरा होता है, लेकिन वो उसी के लिए बनी है, वो उसके लिए नहीं बने कि एयरपोर्ट पे रहे। वैसे ही हम इंसान सिर्फ घर के लिए। और अभी मेरी जो एज है ऐसा लग रहा है कि यार बाहर जाना थोड़ा ज़रूरी है, पता नहीं क्यों, बट घर पे नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं पैकिंग कर रहा हूँ, कल सुबह मैं निकलूँगा। फिर मैं हाल नहीं गया क्योंकि मेरी मम्मी को एक दिन रुकना था, तो मम्मी ने कहा एक दिन रुक जाओ अगले दिन चले जाना, तो मैंने कहा चलो एक दिन रुक के अगले दिन जाता हूँ। भाई इतना सारा सामान पैक करना है, वो नहीं करना, वो हटा देंगे। तो हेलो दोस्तों, अब मुझे पैकिंग करनी है सामान की, ये बैग, और मैं 2 बैग लेके, और इस बार पहली बार मैं 2 बैग लेके जा रहा हूँ। ये छोटा वाला बैग ट्रैकिंग करने के लिए काम आता है, और ये बड़ा बैग। बाकी थोड़ा मूड अब सही है, अब थोड़ा सा पॉजिटिव फील आ रहा है, कुछ कर लेंगे वगैरह। हाँ बट मुझे आदत सी हो गई है ऐसे हर बार अपना पैकिंग करने की, ले जाने की, जाने की। मैं जितनी बार निकल जाऊँ लेकिन फिर भी एंजाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा डर लगता ही है वो। सामान रखते हैं, मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो मैं पहुँच के ऐसे भी बनाऊँगा कि बैग में मेरे होता क्या क्या है, क्योंकि हर चीज़ मैं अभी दिखा नहीं सकता, ये बढ़िया फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। और मैं किसी नई वीडियो में बताऊँगा जिसमें मैं अच्छे से बताऊँ क्या क्या मैं रखता हूँ, बेसिकली जो जो ज़रूरी होते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, सोलो ट्रैवलिंग करने के लिए। चलो यार मैं हो गया हूँ रेडी जाने के लिए, लेकिन जब भी घर से निकलता हूँ पता नहीं थोड़ी नर्वसनेस होती है, डर लगता है कि भाई इस बार जिंदा लौट के आएंगे नहीं आएंगे। क्योंकि जा तो मैन वर्सेस वाइल्ड ही खेलने रहे हैं। चलो भाई चलते हैं, बस चलती है, पूरा पैक होके जा रहे हैं। लगता है कि कैसे करेंगे यार, सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं ये ट्रेन से जा रहा हूँ, जनरल का ये डिब्बा है और इतना खाली, और एक्चुअली रूट में दिल्ली पड़ने वाला है, क्योंकि आज तक मेरे एक्सपीरियंस में जितनी बार मैं जनरल में बैठा हूँ और दिल्ली का वो अगर रूट है, दिल्ली यूपी में जा रही है ट्रेन, तो बहुत भीड़ होती है, तो इधर नहीं है। मस्त आराम से सोए, ये लो आप खाओ, ये मैंने गंदगी नहीं करी है किसी और ने की है, मस्त आराम से बैठे सोए। फिर मैंने खाना खाया, मम्मी ने भेजा था जो खा रहा हूँ, अब पता नहीं कब मिले मम्मी के हाथ का खाना, तो खा लो अच्छे से। तो यार मैं आ गया हूँ चंडीगढ़ बस स्टैंड पे, सॉरी भाई चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे आ गया हूँ, सुबह के 4 बज रहे हैं।
अब रेलवे स्टेशन आ गया हूँ तो अब जा रहा हूँ मनाली के लिए। बस कहाँ मिलेगी? बस मनाली नहीं, मतलब जहाँ मुझे जाना है उधर के लिए बस ढूंढना है। ठंड बहुत ज़्यादा है इधर, तो ठंड लग रही है। बाकी अभी पता नहीं बस कहाँ से मिलनी है, कोई कह रहा है 14 किलोमीटर दूर है, वो ऑटो वाले कह रहे हैं। बाकी चलो थोड़ा सा देखता हूँ, फिगर आउट करता हूँ। पहले मेरा प्लान था कि पहले मैं आगरा जाऊँ, क्योंकि आगरा से ट्रेन बननी है, ठीक है, ट्रेन बननी थी, उधर से आराम से सीट मिल जाती, बढ़िया जाते चंडीगढ़, 7 बजे की ट्रेन थी उधर से। लेकिन लकली क्या हुआ कि जो मम्मी ने रोका था लकली हुआ कि उस दिन झांसी से मेरे मतलब घर से ही ट्रेन बढ़िया थी चंडीगढ़ के लिए, और उसी सेम टाइम पे पहुंचानी थी, इसी टाइम पे पहुंचानी था उसे भी। तो मैंने कहा फालतू में बदलने से अच्छा आगरा जाने से अच्छा डायरेक्ट ही चलते हैं चंडीगढ़, क्या दिक्कत है। तो आगरा का प्लान कैंसिल हो गया और फिर मैं चंडीगढ़ ट्रेन आ गया, बढ़िया। और ट्रेन में आते तो ऐसा लगा कि भाई कौन सी ट्रेन में आ गया, इतनी आराम से खाली आराम से बैठ के आए, कोई जनरल लगी नहीं रहा। और मुझे लग रहा था दिल्ली वाले रूट तक भरी पड़ेगी, दिक्कत होगी बैठने खड़े रहने में, लेकिन सब आसानी से हो गया। मस्त सो के मूवी देखे, हंसी तो फंसी मूवी देखी, और कुछ गाने वाने सुने, कुछ लिखा वगैरह, तो मज़ेदार था सफ़र। अब चलते हैं आगे। तो मैं ऑटो लेके आ चुका हूँ कम से कम 12-13 किलोमीटर तक, तो ISBT सेक्टर 43 आ गया मैं चंडीगढ़ के, और ये बस स्टैंड है। अब इधर से बस लेंगे जहाँ जा रहे हैं उधर के लिए। हाँ चलो भाई चलते हैं, सही लग रहा हूँ मैं, सुबह सुबह हो रही है। तो ये रहा चंडीगढ़ का बस स्टैंड, काफ़ी फैला हुआ है, ठीक है, अच्छी जगह है चंडीगढ़, बहुत साफ सुथरी। फिर ये मनाली का जो काउंटर नंबर 18 है, तो इधर पर टिकट वगैरह लेकर बैठे। मेरे सारे पैसे लगभग ख़त्म हो गए, अभी 2 महीने घूम के आया इंडिया, तो उसमें पैसे खर्च हो गए। अभी 7-8 दिन पहले घर आया, तो थोड़ा टाइम रहा, फिर मन नहीं लगा, तो फिर मैं निकल गया घर से। अब जा रहा हूँ हिमाचल पहाड़ों में विदाउट मनी ट्रैवल करने, नए रास्ते ढूंढने, और अपने आप को समझने कि बिना पैसों के आखिर रहूँगा कैसे। चलो देखते हैं आगे क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं। ट्रैफिक लग गया है जो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था। अभी मैं कहाँ मंडी से निकल गया हूँ, थोड़ा सा अभी और बचा है। आप भी सोच रहे हो कहाँ जा रहा हूँ मैं, बताता हूँ। बाकी व्यूज़ का तो क्या ही बोलूँ, सफ़र में जो हिमाचल उत्तराखंड के ये व्यूज़ होते हैं बहुत कमाल के लगते हैं। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं पहुँच जाऊँगा अपनी डेस्टिनेशन पर उधर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, वो व्यूज़ तो एकदम आप फैन हो जाओगे, अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यार ऑटो तो आ गया, और अब इधर से मैंने ले लिया सेंज की बस, तो अब जाना है सेंज। चलो देखते हैं, बढ़िया मौसम हो रहा है। तो भाई सेंज भी आ गए हैं, और कमाल का पीछे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी और भी आगे जाना है, और मैं एक विलेज में जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एकदम नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, पहली बार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, पता नहीं कैसा क्या होगा। सो यदापव काफ़ी अच्छा है, उदापव ऊपर जंगल में जाना है मुझे, वो ग्रीन वाला जंगल दिख रहा है, चलो बताऊँगा आगे। यार इन भाई ने मुझे मदद कर दी अपनी मंजिल पे पहुंचाने में, और मैं विलेज जा रहा हूँ एक जो कि बहुत अंदर को है, गाड़ियाँ जाती नहीं हैं कोई, तो भाई ने भेज दी एक दोस्त ने गाड़ी, तो उनके साथ जा रहा हूँ। फिर पहुंचना था वो मैं फाइनली पहुंच गया हूं, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूं, थक गया हूं काफ़ी ज़्यादा। बाकी कल से बताता हूं क्या है ये, कहां आ गया हूं, क्या कर रहा हूं, एंड ऑल। गुड नाइट।